हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। यस बैंक के दोस्तों जो आने वाले समय में जो टारगेट आप जानेंगे चौंक जाओगे, क्योंकि यस बैंक ने यहाँ सबको गुमराह किया है। गुमराह करने के बाद दोस्तों जो टारगेट जो होते हैं उसमें सभी जो एग्जिट जो पोजीशन लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी एग्जिट पोजीशन लेंगे। इसी वजह से यहाँ पे यस बैंक के शेयर को घुमाया गया है। ऑपरेटर यहाँ पे चाल चली गई है और यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ है। जो यस बैंक के यहाँ पे कहना इसको एक ट्रैप की तरह से लोगों को जो ट्रैप किया गया, लोगों की जो अब एग्जिट की जो करवा दिया गया है। लेकिन अब इसमें जो आगे की जो और भी चाल होगी बहुत ही यहाँ पे खतरनाक और कहना कि ट्रैपिंग चाल यहाँ पे देखने को मिलेगी। यस बैंक में जो टारगेट तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उस टारगेट का फायदा बहुत ही कम लोग ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सच है। आप देखते रह जाओगे, टारगेट आपको मिलेंगे, लेकिन आपकी जो एग्जिट जो रहेगी दोस्तों वो पोजिशन बहुत जल्दी जल्दी आप ऑटोमेटिक ही इतने ट्रैप कर दिए गए हैं पहले से ही कि ऑटोमेटिक ही आप कोस्ट कोस्ट आते ही निकलोगे या आपने कोस्ट कोस्ट के पहले ही निकल जाओगे लॉस में। ये दोस्तों यस बैंक की एक ट्रैपिंग यहाँ पे चाल चली गई है। अब आपको मैं बता दूं यस बैंक में यहाँ पे आने वाले जो समय में चौंकाने वाले टारगेट है वो भी आपको मैं यहाँ पे चार्ट के माध्यम से। और एक बड़ी न्यूज़ है यस बैंक में, गजब का यस बैंक का जो फाइनल लुकआउट है वो आ चुका है। फाइनल लुकआउट के बाद यस बैंक के जो टारगेट है, फाइनल लुकआउट के बाद यस बैंक के टारगेट दोस्तों चौंकाने वाले टारगेट है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं इस चार्ट को मैं उठा के आपको ये फाइनल लुकआउट ही बता देता हूँ। देख सकते हैं यस बैंक के ग्राफ के लिए बड़ी खुशखबरी और इस फाइनल लुकआउट जो है उसके बाद में यस बैंक के जो टारगेट है, अब यस बैंक का जो रास्ता क्लियर हो चुका है और देखा किस प्रकार यस बैंक आगे का जो ट्रैपिंग जो गेम खेलेगा बहुत उतार चढ़ाव यस बैंक में देखने को मिलेगा। आपने देख लिया 37 रुपये से 5 आया, 5 से वापस 30, 37 से 5 आया, 5 से वापस 30, 30 से वापस 17, 17 से वापस 27, यानी कि यस बैंक को देख सकते हैं कितना गजब का मायाजाल, भयानक मायाजाल बिछाया जा रहा है। लोग जब 30 से वापस जैसे लुड़का, लोगों ने सोचा वापस 5 जाएगा, उसने माल बेच दिया, 25 से 20 से बेचा, 17 पे 17 से वापस 27 चला गया। ठीक है, लोग ट्रैपिंग है यहाँ पे यस बैंक में, एक गेम चलाया जा रहा है कि आगे कोई यस बैंक में कि आगे को पोजिशन ले जा ना सके। रिटेल इन्वेस्टर आपको बताया इतना पैसा होता है, बहुत डरपोक होते हैं दोस्तों। आप चाहे आप किसी को 99% आप देख सकते हैं, मैं आप बुरा मत मानिएगा दोस्तों, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि अपने जो आपका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, धड़कने पर बहुत तेज़ ऊपर नीचे हो रही है और रातों की नींद हराम हो चुकी है और आपके अंदर डर का माहौल हो चुका है। यहाँ दोस्तों ये आप अपने खुद के मन में सोच लीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल 99% ट्रू है ये। ठीक है, तो ये होता क्या है कि वो अब रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे यस बैंक में क्या करेगा, किसी ने अगर 30 से भी ले रखा ना, 30 से भी वो 30 पे आते हैं, अरे अब चलो ठीक है बराबर पे आए निकल जाते हैं। जो 25 से ले रखा वो निकलेगा, वो 50 से ले रखा ठीक है 35 आया तो किसको घाटा कम हुआ वो निकल जाता है। तो ये यस बैंक का एक ट्रैपिंग ये इस प्रकार बिछाया गया कि यस बैंक 5 रुपये से 30 रुपये आ गया तो 6 गुना माल कर दिया, अब तो यस बैंक टूटना चाहिए, अब तो 35 आ गया अब तो ठीक है निकल जाते हैं। और वो उस बंदे ने 70 से ले रखा है और वो नीचे 35 पे आधा माल बेच के निकल रहा है। चलिए दोस्तों देखो, ये यस बैंक का जो फाइनल लुकआउट आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद ही यस बैंक के जो टेक्निकल चार्ट के माध्यम से यहाँ पे जो चौंकाने वाले टारगेट हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यस बैंक का फाइनल लुकआउट यहाँ पे आ चुका है और इस फाइनल लुकआउट के साथ SBI और LIC दोनों मिलकर यहाँ पे 55% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी यस बैंक में खरीदने वाले हैं, यानी यस बैंक में आधी हिस्सेदारी से भी ज़्यादा, यानी 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे यस बैंक में हिस्सेदारी दोनों मिलकर खरीदने वाले हैं। ये फाइनल लुकआउट है और देख सकते हैं इसमें SBI की जो रहेगी वो रहेगी 45% के ऊपर और LIC की रहेगी इसमें 10% के लगभग। अब HDFC बैंक और ICICI बैंक यहाँ पे देख सकते हैं 6.5% के लगभग खरीद रहे हैं और महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक ये खरीद रहे हैं 3-3% के लगभग। और इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि LIC की ऑलरेडी पहले से यस बैंक में देख सकते हैं 8% हिस्सेदारी थी। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको समझना चाहिए कि बड़े जो एक इंश्योरेंस कंपनी पहले से 8% हिस्सेदारी यस बैंक में लगा रखी है तो वो पागल नहीं है कि यस बैंक में वो डूबने के लिए लगा रखी है, उनको भी यस बैंक का कुछ भरोसा है। हालांकि देख सकते हैं कि हर कोई भी शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं, अभी कोरोना वायरस आया तो कौन सा शेयर यहाँ पर टिक पाया, इका कोई शेयर, सारे रिलायंस यहाँ देख सकते हैं 1800 रुपये से 1000 रुपये आ गया, देखा आपने। और SBI 350 से 186 आ गया, तो वो बाउंस भी देखो अब देखने को मिला, यस बैंक ने भी बाउंस भी दिया ना, 5 रुपये 30 रुपये बाउंस भी दिया, कल मार्केट में बाउंस भी था, सेंसेक्स का 5500 पॉइंट का बाउंस भी था, तो ये यस बैंक ने बाउंस भी दिया। तो यानी कि अच्छे अच्छे जो शेयर भी हम लुट जाते हैं जब खराब माहौल आता है, तो यस बैंक में खराब माहौल चल ही रहा था, इसमें लुट लुट का अब अच्छा माहौल यस बैंक में, अब ये सारा अच्छा माहौल है। ये सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे ये टिक किए हैं सारे ये बेस्ट टू बेस्ट अच्छा माहौल है, फाइनल लुकआउट आ चुका है। इसके बाद यस बैंक के टारगेट होंगे दोस्तों आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखोगे यस बैंक में कहाँ एग्जिट आपको लेना है, कहाँ आपको एग्जिट नहीं लेना है, ठीक है, या कब तक आपको इसका वेट करना है, ये मेरा ओपिनियन होगा। फाइनल डिसीजन दोस्तों आपका होगा, सिर्फ मेरा ओपिनियन है। उसके बाद दोस्तों आप जाने इसको बाय करना है, आप जाने इसको सेल करना है, आप जाने इसको होल्ड करना है, आप जाने इसको एग्जिट करना है, कुछ भी करना है, एवरेज करना है, वो आप जाने। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारा बताऊंगा, मेरी तरफ से चाहे बाय करना वो भी बताऊंगा, सेल करना वो भी बताऊंगा, एग्जिट कब करना वो बताऊंगा, एवरेज करना वो बताऊंगा, कब एवरेज करना है, ठीक है। चलिए, लेकिन वो अब डिसीजन आप करेगा, ये मेरा क्या है ओनली एजुकेशन पर्पज के हिसाब से, मेरे ये आपके साथ नॉलेज शेयर करना है टेक्निकल प्लस यहाँ पे जो यस बैंक का जो न्यूज जो इस प्रकार यस बैंक का फाइनल लुकआउट निकल के आया है, तो मैं मेरा ओपिनियन यहाँ पे रखूंगा। तो आप मेरा ओपिनियन आप कितना पसंद करते हैं वो आप डिपेंड करता है, इसको पूरी तरह से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं।
देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी आपको बता दिया जो अब यस बैंक बॉन्ड होल्डर्स थे उनको दोस्तों अब शेयर दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स का जो पहले जो 10% की हिस्सेदारी थी अब उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी 15% के लगभग, और यस बैंक में नई 11,000 जो करोड़ के शेयर्स लगाए जाएंगे नए शेयर होल्डर्स के द्वारा। और आपको बता दूं मैं कि ये लो पीरियड में रहेगा, जो नए नए जो लोग आ रहे हैं आपको बता दूं उनकी उनकी 75% वो हिस्सेदारी कम नहीं कर सकते हैं। और यस बैंक में देख सकते हैं दो एस बी आई के निदेशक होंगे, और ये यस बैंक की जो पाबंदी है 3 दिन में उठा दी जाएगी, जो कि बड़ी एक यस बैंक की खबर है कि जो पाबंदी लगाई जा रही है यस बैंक के ऊपर वो उठा दी जाएगी बहुत जल्दी, जो पैसों के यानी लोग कितना ही पैसा निकाल सकते हैं उसके बाद यस बैंक में डर का माहौल कम हो जाएगा। यस बैंक के दोस्तों जो अधिकृत जो पूंजी थी आपको पता है 800 करोड़ से लेके अभी जो यानी कि शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया गया था 800 करोड़ से 1100 करोड़ बढ़ा गया था, लेकिन सरकार ने दे सकते हैं यहाँ पे 1100 करोड़ से 6200 करोड़ बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ सोचो दोस्तों ये टर्निंग पॉइंट है, यस बैंक का जो अधिकृत जो पूंजी है 800 से शेयर होल्डर ने 1100 करोड़ तक बढ़ाया था, अब 1100 से 6200 करोड़, माइंड ब्लोइंग कितना गुना यहाँ पे कर दिया है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, ना समझे दोस्तों फिर अपनी अपनी मर्जी होती है। इसके अलावा एक्सिस बैंक कोटक बैंक देखते 500 करोड़ का यहाँ पे लिया है, ये दोस्तों ये फालतू न्यूज़ नहीं है, ये दोस्तों यहाँ पे सरकार के एस बी आई के पास प्रस्ताव आ चुका है, ये ऐसा कोई हवा में उड़ी हुई न्यूज़ नहीं है, ये न्यूज़ मतलब वेरीफाई न्यूज़ है, यहाँ पे ये वेरीफाई न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण धमानी सब ने सभी ने यहाँ पे 500 करोड़ का निवेश करने की यहाँ पे घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया है, ठीक है। और यस बैंक का देख सकते हैं ये जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान होगा 3 साल का होगा, इसमें जो बाहर से जो आएंगे एस बी आई के अलावा जो भी बड़े निवेशक आएंगे वो 75% से अपनी होल्डिंग कम नहीं कर सकते। ये टर्निंग पॉइंट आप देखिए, यानी कुल मिला के आपके पास एक यस बैंक आप पैसा डाल के बेफिक्र छोड़ सकते हैं, बेफिक्र यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और यस बैंक दोस्तों शेयर का आप आने वाले दिनों के जो मैं टारगेट बताऊंगा उसका वेट कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों डिसीजन फिर भी बोल रहा हूँ आपका रहेगा, मेरा ओपिनियन आपके साथ पूरे समय के लिए जब तक दोस्तों मैं यहाँ पे एस एच मार्केट न्यूज जिंदा है दोस्तों, यानी कि मैं जिंदा हूँ दोस्तों तब तक मेरा ओपिनियन आपके साथ चलता रहेगा। यहाँ दोस्तों आपको मैं बता दूँ, ये देख सकते हैं जो बॉन्ड होल्डर्स का मैंने आपको बताई दिया, उनका भी जो 8,800 करोड़ का जो रुपये निवेश किया गया 80% शेयर तक हेयर कट करना होगा, क्योंकि उन्हें बैंक में 170 करोड़ शेयर मिलेंगे, यानी बॉन्ड होल्डर्स का कुछ कमी होगी उसके बदले यहाँ पे उनको जो शेयर दिए जाएंगे उनका भी वो 3 साल के पहले वो भी शेयर नहीं निकाल सकते, यानी कि यस बैंक में शॉर्ट सेलिंग बहुत कम देखने को मिलेगी। अब 3 साल पहले जो बड़े निवेशक है वो तो निकाल ही नहीं सकते, एस बी आई नहीं निकाल सकता, बड़े निवेशक 75% से कम नहीं निकाल सकते, और ये जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनके शेयर मिलेंगे, उनको लाभ उनको दिख रहा है, यस बैंक सो जा रहा है तो वो नहीं निकाल सकते, टस से मसी नहीं कर सकते, यस बैंक अगर 500 चला गया 3 साल पहले तो वो भी इसको छेड़ ही नहीं सकते। कुल मिला के बात है अगर वो यस बैंक 500 घूम के 10 भी आ जाएगा ना, उनसे उसके बाद उनको 10 पे ही बेचना पड़ेगा। तो ये यानी कि किसके लिए ये राहत की बात है, रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, क्यों, अगर यस बैंक 10 से 500 जाएगा तो वो तो सेल कर सकते हैं ना, उनके ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर पाबंदी है एस बी आई है, चाहे एल आई सी है, चाहे से वो बड़े निवेशक है, उनके ऊपर पाबंदी, यस बैंक 500 जाके वापस 10 भी आ गया तो भी उनके कुछ हाथ लगने वाला नहीं है दोस्तों, ये रिटेल इन्वेस्टर के ही हाथ लगने वाला है, यहाँ सब कुछ लगेगा जो। जी हाँ दोस्तों, एक मैं कल्पना बता रहा हूँ कि मान लीजिए 500 जाने के बाद दोबारा ऐसा माहौल शायद कम मिले तो कितनी वापस यस बैंक आ जाए 10 रुपये, उनको भी तो लाभ मिलेगा, इसलिए तो यहाँ पे प्लान बनाया गया। लेकिन फिर भी ज़्यादा जो अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अगर समझदारी रखें तो ज़्यादा जो फायदा मिला है रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पे मिलने वाला है। देख सकते हैं दोस्तों यस बैंक में यहाँ पे जो अब आपको बता दूं इसका पूरा बोर्ड यहाँ पे चेंज होने वाला है, ये देख सकते हैं यस बैंक में एसबीआई के 2 यहाँ पे ये जो डायरेक्टर लगाए जाएंगे, और ये जो प्रशांत कुमार है ये जो सर है वो यस बैंक के नए निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे 3 साल के लिए। ये सुन लीजिए दोस्तों, यस बैंक के लिए बेस्ट खबर ये है, और ये बार बार वही खबर आ चुकी है, 49% ये 26% नहीं कर सकते, 75% कम नहीं कर सकते, ये देख सकते हैं एसबीआई 26% फीसदी निवेश लॉक इन पीरियड पर रहेगा, 26% कम नहीं कर सकते, और विदेशी जो दूसरे निवेशक हैं जो विदेशियों कोई भी वो बड़े जो बड़ा निवेशक है बड़ा रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ के वो 75% से कम नहीं कर सकता। अब मैं दोस्तों यस बैंक के टेक्निकल चार्ट आपको लिखा हूँ, और आपको यस बैंक के टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको बता दूं यस बैंक उसी जगह आ चुका है जिस जगह से यस बैंक ने शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, यस बैंक उसी जगह आ चुका है, यस बैंक देख सकते हैं दोस्तों ये 2005 12 रुपये पे था, उसके बाद में देख सकते हैं ये 27 के आसपास 27 नहीं 50 गया, 50 से वापस ये 8 रुपये आया था 2009 में, और 8 रुपये से दोस्तों देख सकते हैं ये 2010-10 में 73-74 रुपये पे आ चुका था, और 2013 के अंदर 108 रुपये पे आ चुका था, और 2016 के अंदर 231, उसके बाद 4 रुपये तक इसने पूरा सफर किया था। हालांकि ये गूगल का चार्ट है, और यहाँ पे दोस्तों आपको पता है एक केस भी आया था जिसने UBS ने यस बैंक की जो रेटिंग थी 1000 रुपये से घटाकर 740 का टारगेट दिया था। तो इसका मतलब यानी कि मेरे अपस्टॉक के चार्ट पे भी है, अगर किसी के पास अपस्टॉक का चार्ट है उसमें यस बैंक का पूरा पीछे का चार्ट देखना, यस बैंक का जो टारगेट है दोस्तों वो 2000 रुपये तक यस बैंक ने सफर तय किया, 2000 तक के टारगेट अपस्टॉक के टारगेट देखना, उसमें यस बैंक पहले 1000 के ऊपर भी ट्रेड करता था, 2014 के ऊपर भी ट्रेड करता था। तो ये गूगल का चार्ट है, इसमें ये औसत निकाली गई है यस बैंक का, क्योंकि यस बैंक को कभी अलग अलग जगह स्प्लिट किया गया है, यस बैंक को अलग अलग जगह लिस्टिंग किया गया है, उस हिसाब से भी 2000 पर ट्रेड करता दिखाई दिया होगा। हालांकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यही है कि जो मीडिया के द्वारा यस बैंक कभी 1400 के ऊपर भी ट्रेड करता था। अब जैसे आप अपिस्टो का चार्ट उठा के देख लेना, उसमें सारा आपको चार्ट दिखेगा, 2000 का भी आपको यस बैंक में चार्ट दिखाई देगा। और जहां तक आप UBS की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, UBS ने यस बैंक में एक बार 1000 पे यस बैंक ट्रेड कर रहा था, और वहां से यस बैंक के टारगेट घटाए थे 740, इसका मतलब कंफर्म है कि यस बैंक 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था।
दोस्तों अब ये पूरा फाइनल ओपिनियन आपको बता दूँ, यस बैंक देखो यहाँ पे इस समय यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले देखो ये यहीं यहीं पे था, वही ये मोड़ है जहाँ ये मोड़ था, यहाँ से यस बैंक भागा था वापस, यस बैंक यहाँ से भाग सकता है। यस बैंक यहाँ से क्यों भागा था, यस बैंक के लिए अच्छी खबर थी, यस बैंक ग्रोथ कर रहा था, यस बैंक का पैसा था, यस बैंक इन्वेस्टर जो निवेशक इसमें पैसा डाल रहे थे, वही खबर यहाँ पे। यस बैंक अब यहाँ पे अधिकृत पूंजी 1100 करोड़ से 62 करोड़ बढ़ दी गई है, इसमें निवेशक पैसा डाल रहे हैं, शेयर होल्डर्स यहाँ पे लोग 3 साल के लोग पेड़ कर दिया गया, यानी कि 2020 साल का 21 22 23 साल तक कोई पैसा नहीं निकाल सकता इसमें जो जो बड़े इन्वेस्टर हैं। उसके अलावा आपको बता दूं इसमें 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा की पूंजी इसमें लगने वाली है। तो यस बैंक के लिए दोस्तों वही सेम यहाँ जो प्लानिंग थी वही प्लानिंग यहाँ पे यस बैंक के लिए, यस बैंक यहाँ से जिस प्रकार ये भागा था स्विंग ट्रेडिंग, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से भागता नजर आएगा। तो मैं दोस्तों आपको यानी कि बहुत यहाँ पे जो टारगेट कट के माध्यम से बता रहा हूँ, मिनिमम टारगेट के लगभग बता रहा हूँ यस बैंक यहाँ पे आने वाले दिनों में, सिर्फ साल भर के नजरिए से ही बता रहा हूँ आपको, साल 1.5 साल के नजरिए से यस बैंक दोस्तों आपको ये जो टारगेट ये जिस प्रकार यहाँ से इसमें 150 करोड़ लेवल जल्दी साल 1.5 साल में छुआ था, ये वाली जो रेंज दिखाई दे रही है, वाली रेंज दिखाई दे रही है, जिस यस बैंक ये रेंज यहाँ पे 150 प्लस के टारगेट साल 1.5 साल में यहाँ पे दोस्तों जल्दी कवर करता नजर आ सकता है। और दोस्तों जहां तक उम्मीद है 99% की यस बैंक के जो टारगेट है दोस्तों टेक्निकल चार्ट के माध्यम से कि ये जो रफ्तार है यस बैंक बहुत तेज रफ्तार से पकड़ेगा, और 2020 के अंदर अंदर दोस्तों यस बैंक आपको 150 तक के टारगेट 2020 के अंदर अंदर संभाली दोस्तों 150 तक के टारगेट, क्योंकि काफी ये टारगेट दोस्तों कटिंग के द्वारा दिए गए हैं। बाकी 2020 के जो मेजर टारगेट है दोस्तों यस बैंक 200 प्लस भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि यस बैंक दोस्तों बहुत ग्रोथ के साथ यहाँ पे उठने वाला, यस बैंक में ग्रोथ आएगी, यस बैंक का फाइनल लुकआउट किया जाएगा। जो क्वार्टर से रिजल्ट है अगर अच्छे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खराब आ रही तो यस बैंक दोस्तों सिर्फ एक दिन पे ही उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो भी उसमें होगा दोस्तों ऑपरेटर गेम नीचे गिर के वापस ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा कि यस बैंक के क्वार्टर से रिजल्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यस बैंक पहले से यहाँ पे डूबा हुआ बैंक अघोषित हो चुका है संकट में आ चुका है, इसलिए आरबीआई आपको पता क्वार्टर थ्री रिजल्ट का इफेक्ट नहीं पड़ने देगी, यहाँ दोस्तों नहीं पड़ने देगी, खराब भी आएंगे तो नहीं पड़ने देगी, सिर्फ एक दिन का इंट्राडे में उल्लेख मिलेगा, नीचे जाके ऊपर भाग जाएगा, और अगर अच्छे आते हैं तो और बहुत से बैटर यस बैंक के लिए है। या दोस्तों यहाँ पे मेरा फाइनल आप एग्जिट का जो मेरा है मेरा ओपिनियन है, आप इसमें पैसा डाल के दोस्तों साल भर के लिए सिर्फ 2020 को तो आपको इंतजार करना ही चाहिए, या यस बैंक आप 50 जाके वापस 30 आए तो भी आपको डगमगाना नहीं चाहिए, 50 जाके 30 वापस आ रहा तो आप उसको वापस और पैसा कुछ SIP के तौर पर आप इसमें डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, होल्डिंग कॉल्स है तो कोई भरोसा नहीं होता है, मैं क्या बोल रहा जी हाँ दोस्तों मैंने बताया होल्डिंग कॉल से कोई भरोसा नहीं होता है, तो आपने इस चीज़ को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था, 33,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, सेंसेक्स कहाँ ट्रेड कर रहा था, 44,000 पे ट्रेड कर रहा था, 29,000 चिपकी यानी पलक झपकी नहीं है देख सकते हैं, यानी कि कहावत है पलक नहीं जबकि क्या से क्या हो गया, यानी कुल मिला के 7 दिन के अंदर ही मार्केट देख सकते हैं, 7-8 दिन के अंदर मार्केट 13-14,000 पॉइंट यहाँ पे क्रेश हो चुका था, कि आप देख सकते हैं मार्केट में आने वाले समय कुछ भी हो सकता है, 1% 10% अपन इस चीज़ को रिस्क लेके चल सकते हैं। मार्केट आप बताए जैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए उसमें सब लिखा हुआ टीवी पे, म्यूचुअल फंड शेयर बाजार जोखिमों के अधीन रहेगा, यहाँ दोस्तों सारी चीज़ जोखिम गजी रहती है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, जैसे कोरोना वायरस पता चल जाएगा पूरे देश में 130 देशों में फैल चुका है, महामारी घोषित हो चुका है। तो दोस्तों ये एक मेरी तरफ से ओपिनियन फाइनल ओपिनियन है कि यस बैंक में आप यहाँ पे साल भर कवेट कर सकते हैं और गजब का यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये एजुकेशन पर्पस मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें दोस्तों आप किस प्रकार इस ओपिनियन को लेते हैं वो आप डिपेंड करता है, आप इसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं या आपको पसंद नहीं है दोस्तों आप पूरी तरह इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप इंट्राडे के अंदर एस एस मार्केट न्यूज़ की आप उसको जुड़ते हैं तो दोस्तों पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट के साथ एस एस मार्केट न्यूज़ बोल रहा है, तो इसमें जो अगर मंथली 21 दोस्तों माइनस में चली जाती है दोस्तों तो मैं 10 चैनल ही बंद कर दूंगा। दोस्तों ये एस एस मार्केट न्यूज़ का वादा है, क्योंकि एस एस मार्केट दोस्तों जो रिसर्च चल रहा है दोस्तों एनालिसिस इंट्राडे परफेक्ट टेक्निकल चार्ट लाइव जो भी लाइव यानी मार्केट चल रहा है लाइव में कहाँ कौन सी कॉल देनी है, कौन सी कॉल टेक्निकल चार्ट चाहिए, कौन सी कॉल ब्रेकआउट चाहिए दोस्तों वो एनालिसिस दोस्तों एस एस मार्केट न्यूज़ करके दिखाता है, और कंटिन्यू देख सकते हैं दोस्तों कल परसों पहले रोज कितने भी दिन पीछे चले जाए कोई स्टॉक लॉस नहीं है और गजब का कुछ प्रॉफिट कमा के दिया, गजब का प्रॉफिट कमा के दिया है। या दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों यहाँ पे जो बार बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं सर आपके चार्जेज क्या है, चार्जेज क्या है, तो दोस्तों कोई चार्जेज नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है, फ्री चार्जेज है, फ्री चार्जेज के बराबर है ज्वाइनिंग है। आप डेली दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं, आपको चाहे 50 लाख का घाटा हो चाहे 50,000 का घाटा हो तो भी आपको अपना अपने ब्रोकर को ब्रोकरेज साथ देना ही होता है, और वो एक दिन डेली 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 देते हैं। अब आप मिला लीजिए डेली 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 30 दिन आप ब्रोकरेज चार्ज दे रहे हैं, चाहे आपको घाटा हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, ऐसा मार्केट न्यूज दोस्तों जो आपको ब्रोकरेज चार्ज है डेली का ब्रोकरेज चार्ज उससे भी कम दोस्तों छोटी सी गाइडलाइंस है, और वो भी डेली की नहीं है, डेली आपको नहीं देना, सिर्फ एक दिन देना है। आप ब्रोकरेज चार्ज डेली देते हैं, आज दिया कल दिया पूरे महीने पर आप ब्रोकरेज चार्ज देते हैं, तो देखते कितना आपने कितने हज़ार उनको पैसा दे दिया है, लेकिन ऐसा मार्केट न्यूज आपके जो डेली का ब्रोकरेज चार्ज है उससे भी कम, सिर्फ एक बार आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, और पूरे 30 दिन दोस्तों फ्री में आपको सेवा देता है ऐसा मार्केट न्यूज, फ्री में सेवा देता है। या दोस्तों और वो भी दोस्तों ऐसी क्वालिटी जहाँ आपको बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी के पास नहीं मिलती है, जी हाँ दोस्तों आप चैलेंज के साथ ढूंढ लीजिए, अगर आपको मिल जाए दोस्तों ऐसी क्वालिटी दोस्तों आप मुझे बताइए, मैं दोस्तों फिर आपको उनके लिए बोलूँगा कि आप वहाँ जुड़िए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।